गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, प्रीपोजिशन का आज मैं पार्ट फोर बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को अबव वर्सेस ओवर के बारे में बताऊँगा। अबव और ओवर की जो मीनिंग होती है वो लगभग एक ही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अबव की को इन अ हाई पोजिशन यानी ऊपर के केस में लगाया जाता है, और ओवर का यूज होता है वो वर्टिकल अबव यानी कि एकदम ऊपर के केस में लगाया जाता है। आइए एग्जांपल के जरिए देखते हैं। जैसे लिखा है अ स्वॉर्ड इज हैंगिंग अबव हिज हेड, कि तलवार जो है वो सर के ऊपर लटक रही है। सर के ऊपर कैसे, हायर पोजीशन में ऊपर है। देयर इज अ मंकी ऑन द ब्रांच अबव यू, कि बंदर जो है वो शाखा पर है तुम्हारे ऊपर, यानी ऊपर अबव, ठीक है ना। ओवर के यूज एकदम ऊपर होते हैं, यानी वर्टिकल अबव होता है। जैसे द बर्गलर पुट अ मास्क ओवर हिज फेस, बर्गलर मीन्स होता है सेंध करने वाला, जो चोर होते हैं उन लोगों को कहा जा सकता है। बर्गलर पुट अ मास्क ओवर हिज फेस, कि बर्गलर ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहन लिया, अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है, एकदम ऊपर पहन लिया। या ग्रास इज ग्रोइंग ओवर द प्लेग्राउंड, कि घास जो है वो प्लेग्राउंड के ऊपर उग रही है, ठीक है, ऊपर एकदम ऊपर उगी हुई होगी, है ना। ये आप बोल सकते हैं कि अबव जो होता है वो टच नहीं कर रहा होता है, जबकि ओवर जो होता है वो टच कर रहा होता है चीज़ को, लेकिन केस ऊपर का ही लिया जा रहा होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिलो वर्सेस अंडर। बिलो और अंडर की मीनिंग जो होती है वो नीचे के केस में होती है। बिलो मीन्स होता है लोअर देन, मतलब ये पोजीशन को बताता है, बिलो जो है वो पोजीशन को बताता है, जबकि अंडर जो है वो किसी वस्तु या स्थान के नीचे की बात करता है। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है कि ही वॉज हिट बिलो हिज फेस, कि उसे जो है चेहरे के नीचे मारा गया, हिट किया गया। तो बिलो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बिलो आया है वो पोजीशन बता रहा है, कहाँ मारा गया, उसके चेहरे के नीचे, लोअर देन है, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा था फॉक्स इज अंडर द ट्री, जो फॉक्स है वो पेड़ के नीचे है। अब ये देखिए किसी वस्तु या स्थान के नीचे की बात करी जा रही हो तो वहाँ पर आप अंडर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ट्री क्या है, एक स्थान है, है ना। अगर यहाँ पे टेबल होता, अंदर द टेबल, है ना, तब भी आप अंडर लगाते, बिलो ना लगाते। बिलो का यूज़ पोजीशन बताता है, किसी चीज़ के नीचे की बात करता है, लेकिन उसमें वस्तु और स्थान नहीं आता, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ऑफ की मीनिंग जो है वो का, की, के, ये निकलता है, का, की, के। जैसे बुक ऑफ राम, राम की किताब। लेग्स ऑफ चेयर, कुर्सी के पैर, है ना। तो ये ऑफ जो है वो काकी निकालता है। ये इस तरीके से नहीं पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में जो है कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं इस टाइप के, जिनके बाद पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और मैं हर बार आप लोग को कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड बताता हूँ जिसके साथ पर्टिकुलर वही प्रीपोजिशन यूज होती है। जैसे ऑफ की यूज़ जो है, कुछ यहाँ पर लिखा है सम वर्ड्स विद ऑफ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ऑफ लगेगा, जैसे कि अवेल ऑफ। अवेल ऑफ में होता है किसी चीज़ का लाभ उठा लेना, तो अवेल के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। बीवेयर ऑफ, आपने घरों के बाहर लिखा देखा होगा, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव में होता है वंचित कर देना किसी चीज़ से, सब कुछ छीन लेना, कुछ ना मिलना। डिस्पोज ऑफ का मीन्स होता है निपटा देना किसी काम को, किसी भी चीज़ को निपटाना। रिमाइंड के साथ भी ऑफ का यूज़ होता है, इसका मीन्स होता है याद दिलाना। चार्ज के साथ ऑफ का यूज़ होता है, चार्ज ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ के आरोप लगाना किसी चीज़ का। अवेयर के बाद भी ऑफ का यूज़ होता है, अवेयर मीन्स जागरूक होना किसी चीज़ के प्रति। जेलस के साथ भी ऑफ का यूज़ होता है, जेलस मीन्स ईर्ष्या रखना, ईर्ष्या मीन्स जलन रखना, किसी से जलना। प्राउड के बाद भी ऑफ का यूज़ करते हैं, प्राउड ऑफ, है ना, प्राउड ऑफ करके आप सेंटेंस बनाओगे, प्राउड ऑफ यू।
प्राउड ऑफ मीन्स होता है गर्व। ओके नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए, जैसे दिस रोज इज फॉर यू, या गुलाब तुम्हारे लिए है, या माई मदर कुक द फूड फॉर अस, मेरी माँ ने हमारे लिए खाना पकाया है ना, खाना पकाया, या तो ये फॉर हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तो के लिए की मीनिंग ये फॉर रखता है। इसके साथ भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे अप्लाई के साथ फॉर का यूज़ होता है, प्रार्थना पत्र देना, अप्लाई करना, ठीक है ना। आस्क फॉर होता है, आस्क मीन्स मांगना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। एबिलिटी के साथ भी ऑफ फॉर का यूज़ करते हैं, मीन्स होता है योग्यता, एबिलिटी। एपोलॉजी फॉर जो भी बात हो आगे, है ना, एपोलॉजी के साथ भी फॉर का यूज़ करते हैं, मीन्स होता है क्षमा मांगना। कंपेशन फॉर मीन्स, कंपेशन मीन्स होता है दया करना। तो ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनके बाद यही प्रीपोजिशन यूज़ की जा सकती है और कोई नहीं की जा सकती। ओके तो आज के लिए इतना ही, गुड डे।